हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक सिन्हा हेयर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग एक चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और वो क्वेश्चन किस टॉपिक का था? स्ट्राइक और लॉकआउट ईयर। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग तीन केस पढ़े थे, है ना, जिसमें से फर्स्ट केस क्या था, एक्चुअल रॉयल्टी बी ट्रीटेड एज मिनिमम रेंट इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट ईयर। तो इसी केस के ऊपर हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोग एनालिटिकल टेबल सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, जिसमें से हम लोग एनालिटिकल टेबल सॉल्व कर लिए थे। और ये वीडियो है जो हम लोग आप देख रहे हैं, इस वीडियो में क्या करेंगे, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी, सोल वर्किंग एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं, ये तो मैंने बता दिया हूँ, वो वीडियो यदि आप देखे नहीं है जाके देखिएगा जरूर। देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो के। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्या बनाएंगे, हम लोग मिनिमम रेंट बनाएंगे, है ना। तो चलिए मिनिमम रेंट बनाते हैं। लेकिन मिनिमम रेंट स्टार्ट करने से पहले, मतलब बनाने से पहले, कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ मिनिमम रेंट के बारे में। ठीक है, तो पहले वो समझ लीजिए। देखिए, मिनिमम रेंट, इसको क्या नाम कहते हैं, और डेड रेंट भी कहा जाता है ना, डेड रेंट भी कहा जाता है। ठीक है, आपको क्या बनाना है, मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, मिनिमम रेंट अकाउंट। तो कब बनता है, ध्यान दीजिए, मिनिमम रेंट अकाउंट बनता है क्या, पहले वो समझ लीजिए, कब बनता है, जब रॉयल्टी और यहाँ मिनिमम रेंट, ठीक है, यहाँ पे रॉयल्टी है और यहाँ पे मिनिमम रेंट है। तो जब मिनिमम रेंट अधिक होगी, जब मिनिमम रेंट अधिक होगी रॉयल्टी से, तभी आपको मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, जब मिनिमम रेंट अधिक होगी रॉयल्टी से, तभी आपको मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है। यदि मिनिमम रेंट छोटा हो गया रॉयल्टी से, या फिर दोनों इक्वल हो गया, तो आपको मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना कब है, जब मिनिमम रेंट अधिक होगी रॉयल्टी से, तभी आपको मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये तो होगी बनाना कब है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे कि उसका इंटरेस्ट कैसे पास करते हैं, मिनिमम रेंट अकाउंट का इंटरेस्ट कैसे पास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हैं चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट्स का, तो हम लोग जब जनरल एंट्रीज बनाते थे, तो हर साल में मेन आपको तीन जनरल एंट्रीज देखने को मिलता है। क्या क्या, देखिए यहाँ ध्यान से, पहले देखने को क्या मिलता है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, और दूसरा होता है सॉफ्ट वर्किंग, ठीक है, अकाउंट डेबिट, और दूसरा होता है लैंडलॉर्ड अकाउंट, है ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट। पहला एंट्री देखने को मिलता है, यदि सॉफ्ट वर्किंग नहीं हुई होगी उस ईयर में, तो सॉफ्ट वर्किंग को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं क्या, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट वर्किंग लिखे हैं, ठीक है, इस ईयर में सॉफ्ट वर्किंग हुई होगी तो उस ईयर में लिखेंगे, नहीं रहेगी तो नहीं लिखेंगे। ये पहला एंट्री है। और सेकेंड में क्या करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं लैंडलॉर्ड को, है ना, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी लिखते हैं, ये सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री क्या करते हैं कि रॉयल्टी को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं पीएल अकाउंट में, है ना, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। हम लोग ये तीन एंट्रीज हम लोग देखते हैं, है ना। लेकिन आपको बनाना है क्या, मिनिमम रेंट अकाउंट। यहाँ तो कहीं मिनिमम रेंट आया नहीं, तो फिर मिनिमम रेंट अकाउंट बनेगा कैसे, तो ध्यान दीजिए, जो हम लोग पहला इंट्री जब हम लोग ये जो करते हैं ना, ये वाला पहला इंट्री जो देख रहे हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, सॉफ्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो क्या होता है ना, जब हम लोग को मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना होता है, तो हम लोग ये इंट्री पास नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बदले में हम लोग दूसरा इंट्री पास करते हैं, उसी में मिनिमम रेंट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये एंट्रीज पास, तो ये बाकी सब तो पास करेंगे ये दोनों, लेकिन इसके बदले में कुछ और एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अभी कब पास करेंगे आपको मालूम चल गया, जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से बड़ा होगा, तभी आपको एंट्रीज पास करना, तभी तो मिनिमम रेंट अकाउंट बनेगा। इसलिए मैं पहले आपको बता दिया था ना कि मिनिमम रेंट अकाउंट कब बनता है, जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से अधिक होता है तब। तो याद रखिएगा, जिस ईयर में मिनिमम रेंट अधिक होगा रॉयल्टी से, उसी ईयर का मतलब आपको इंट्रीज उस तरह से बनेगा, और यदि नहीं होगा तो नहीं बनेगा। आप जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बना दीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, चलिए इंट्रीज देख लेते हैं थोड़ा सा है क्या उस तरह का। देखिए, इसके बदले में जो भी हम लोग पास किए हैं ना इंट्रीज, ये फर्स्ट वाला, इसके बदले में कोई और इंट्रीज पास करना है, इसको पास नहीं करना है। ठीक है, ये टू और थ्री तो पास होगा ही, जो भी पास करेंगे ना अभी, उसके बाद टू और थ्री पास होगा, लेकिन ये अभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या बनाना है, मिनिमम रेंट अकाउंट, इसलिए नहीं करेंगे पास। चलिए, कौन सा एंट्री से पहले वो समझ लेते हैं। अब फर्स्ट में क्या लिखेंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और फिर लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड
अकाउंट, ठीक है। जो वन नंबर जो इंट्रेंस हम लोग पास करने वाले थे, जो आप देखे पिछले उसमें जो हम लोग देखे कि ये जो वन नंबर है ना, इसके बदले में पास करेंगे। टू थ्री तो हो गई वन के बदले में, तो वन के बदले में हमको दो इंट्रेंस पास करते हैं हम लोग। कितने इंट्रेंस? दो इंट्रेंस। तो ये वन के बदले में है, तो वन का नंबर ए दे देते हैं, ये ए नंबर में हो गया। अब भी एक और होगा, ठीक है, वन के बदले में। देखिए दो वहाँ पे एक ही एंट्री था, लेकिन उसी के बदले में हम लोग दो एंट्री पास करेंगे। जब एक ही नंबर देंगे, बस ए एंड बी करके करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का ही है। मिनिमम अकाउंट डेबिट और लैंड अकाउंट लिखेंगे। अब फिर लिखेंगे क्या? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग हुई होगी, एकदम शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे? मिनिमम रेंट। क्या लिखेंगे? मिनिमम रेंट अकाउंट, ठीक है। आपको ये एंट्री पास करनी है, ठीक है। वो एंट्री पास नहीं करेंगे, जो लिखते हैं लिखे थे ना वहाँ पे रॉयल्टी, फिर शॉर्ट वर्किंग, फिर टू लैंडलॉर्ड, इस तरह से पास चुकी है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये आपको एंट्री पास उस समय नहीं करना, जब आपको बोला जाएगा मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने के लिए। तब उस समय इंटरेस्ट पास नहीं करेंगे, उसके बदले में क्या इंटरेस्ट पास करेंगे आप लोग? ये इंटरेस्ट पास करेंगे। क्या होगा? मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये नंबर का हो गया। फिर सेकंड में क्या करेंगे? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, ठीक है। यानी फर्स्ट में क्या किया? मिनिमम रेंट को ड्यू किया लैंडलॉर्ड को, है ना। उसके बाद फिर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट हो जाएगा। यानी ये आपको इंटरेस्ट पास करना है, फर्स्ट वाला को छोड़कर इसको पास करेंगे। आई कब पास होगा आपको पहले ही पता चल गया, जब मिनिमम रेंट अधिक होगा रॉयल्टी से। जब मिनिमम रेंट अधिक होगा रॉयल्टी से, मिनिमम रेंट अधिक होना चाहिए। जिस ईयर में मिनिमम रेंट अधिक है, तो समझिए यदि आपको मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है, तो आपको ये इंटरेस्ट पास करना होगा। यदि जिस ईयर में मिनिमम रेंट अधिक नहीं होगा, रॉयल्टी अधिक होगा, या फिर दोनों इक्वल होगा, तो आपको ये इस पर ध्यान नहीं देना, आपको ये खुलेगा ही नहीं। जब मिनिमम रेंट अधिक होगा नहीं रॉयल्टी से, तो फिर इसका कोई काम होगा नहीं, कहीं यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब मिनिमम रेंट अधिक होगा रॉयल्टी से, तभी आपको ये काम करना है। यदि इक्वल रहा दोनों, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों सेम रहा, तो भी ये काम नहीं किया जाएगा, तो भी ये इंटरेस्ट पास नहीं होगा। जैसे आप पास करते हैं वैसे ही कर दीजिएगा, ठीक है, नॉर्मल जैसे पास करते हैं, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे मिनिमम रेंट अकाउंट बनाएंगे, और उसके कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोग देखे। हाँ देखिए गाइस, मैं मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हूँ। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखना है कि फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट अधिक है या नहीं। यदि अधिक रहेगी, तो फिर आगे का काम होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं जो एनालिटिकल टेबल जो हम लोग बनाए थे, उसमें हम लोग चेक करेंगे कि फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट रॉयल्टी से अधिक है या कम है। देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर यहाँ देखिए, फर्स्ट में रॉयल्टी कितना है? नील। मिनिमम रेंट कितना है? 30,000। दोनों अधिक कौन हो गई? मिनिमम रेंट अधिक हो गई। जब मिनिमम रेंट अधिक हो गई, इसका मतलब मिनिमम रेंट अकाउंट बनेगा, है ना, फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट ईयर लिखेंगे। और आपको अभी बताया था इंटरेस्ट कैसे पास करना, अभी जस्ट ने बताया था इंटरेस्ट कैसे पास होगी। तो देखिए मैं आपको फिर से इंटरेस्ट दिखा देता हूँ। तो इंटरेस्ट कैसे पास होगी? मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, है ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपको बनाना है मिनिमम रेंट अकाउंट। तो मिनिमम रेंट अकाउंट किस साइड में? डेबिट साइड में, है ना। तो डेबिट साइड आएंगे, और लिखेंगे कौन सा? क्रेडिट वाला। तो यानी टू लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखना है, डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में आइए इधर, और लिखेंगे कौन सा? क्रेडिट वाला, यानी टू लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखना है। क्या लिखेंगे? टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट सेट करना, तो मिनिमम रेंट देखिए कितना है ना, मिनिमम रेंट कितना है? 30,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30,000, ठीक है। उसके बाद देखिए, फर्स्ट ईयर में ही देखेंगे हम लोग, दो इंटरेस्ट आएंगे ना, एक ए नंबर एक बी नंबर। तो ए नंबर का हो गया, आप देखिए बी नंबर ना भी मिनिमम रेंट है क्या? देखिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है क्रेडिट साइड में। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। तो हम लोग क्रेडिट साइड में आएंगे, ठीक है, और लिखेंगे कौन सा? डेबिट वाला है। क्या लिखेंगे? दोनों डेबिट वाला, यानी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। किस साइड में? क्रेडिट साइड में ना, तो हम लोग क्रेडिट साइड में आएंगे, यानी इस साइड में आएंगे हम लोग, और लिखेंगे कौन सा? डेबिट वाला, यानी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। तो थोड़ा ध्यान दीजिए एक पॉइंट यहाँ पे और भी, कि देख सकते हैं हम लोग को लिखना है तो, है ना, रॉयल्टी को हम लोग को रॉयल्टी लिखना है यहाँ पे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट लिखना है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग रॉयल्टी को नहीं लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में देख रहे हैं रॉयल्टी क्या नील है,
फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी क्या है, नील है, नील मतलब जीरो, यानी कुछ भी नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो रॉयल्टी को हम लोग वहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, यदि कुछ भी होता तो वहाँ पे रॉयल्टी को मेंशन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। ये भी फर्स्ट ईयर का ही है, तो यहाँ लिखेंगे बाय टैक्स, लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट लिमिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट जो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, जो यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट लिखा हुआ था, इसको नहीं लिखेंगे, किसका वैल्यू है नहीं, इसमें नील आया ना प्रोडक्शन, इसमें कुछ है नहीं, नील है तो इसका अमाउंट को मतलब इसका कुछ अमाउंट है ही नहीं, तो इसको यहाँ पे मेंशन यहाँ पे लेजर में पोस्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, स्टोरकिंग अकाउंट डेबिट, जो लिखा है ना स्टोरकिंग अकाउंट डेबिट, इसी को हम लोग वहाँ पर लिखेंगे स्टोरकिंग अकाउंट करके, ठीक है। यदि रॉयल्टी अकाउंट में अमाउंट होता, नील नहीं होता प्रोडक्शन, देख नहीं सकते आप नील है, यदि नील नहीं होता तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय स्टोरकिंग अकाउंट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब देख रहे हैं रॉयल्टी में है ही नहीं, नील है, तो इसका मतलब हम लोग रॉयल्टी को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है, बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, क्लियर। चलिए अब अमाउंट सेटअप कर लीजिए, तो देखिए शॉर्ट वर्किंग कितना हुई है उसी फर्स्ट ईयर में, 30,000 ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 30,000। आपको डेबिट क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, तो देख सकते हैं डेबिट साइड हो गया 30,000 और क्रेडिट साइड भी हो गया 30,000, दोनों इक्वल हो गया, यानी क्या करेंगे ईयर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में हो गया। अब देखिए सेकेंड ईयर में मिनिमम रेंट अधिक है या नहीं वो चेक कीजिए फिर से एनालिटिकल टेबल में, यदि मिनिमम रेंट अधिक होगी तो फिर सेकेंड ईयर का भी ये होगा, यदि नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। देखिए सेकेंड ईयर में कितना है रॉयल्टी 10,000, मिनिमम रेंट 30,000, यानी कि मिनिमम रेंट अधिक है ना रॉयल्टी से, इसका मतलब इसमें भी जो सेकेंड ईयर है इसमें भी क्या करेंगे मिनिमम रेंट अकाउंट बनेगा सेकेंड ईयर का भी, तो यह फर्स्ट ईयर हो गया, अब सेकेंड ईयर में भी करेंगे। अब देखिए सेकेंड ईयर में करेंगे तो सेम प्रोसेस कुछ अलग तो होगा नहीं, जैसे फर्स्ट में किए वैसे ही सेकेंड में करेंगे, तो फर्स्ट में क्या किए तो लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो यहाँ भी आ जाएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। और लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्या करेंगे अमाउंट लिखेंगे मिनिमम रेंट का, है ना, तो देखिए सेकेंड ईयर मिनिमम रेंट कितना 30,000 ही है ना, तो फिर यहाँ पे 30,000 लिखेंगे, ठीक है। अब इधर आएंगे सेकेंड ईयर के लिए, तो देखिए फिर से आपका इंटरेस्ट क्या हो गई, यही ना है कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट स्टोरकिंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, फर्स्ट वाला का तो कर ही लिए सेकेंड फर्स्ट वाला का तो यहाँ पे कर ही लिए हैं, और फिर क्या करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट स्टोरकिंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट को यहाँ भी मिलेगा ना, तो कौन सा साइड क्रेडिट साइड में, तो हम लोग क्रेडिट साइड में आएंगे लेकिन कौन सा डेबिट वाला, यानी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट और स्टोरकिंग अकाउंट डेबिट, ये दोनों वाला को वहाँ पे मेंशन करना है। तो देख लीजिए जैसे कि सेकेंड ईयर में तो रॉयल्टी दिया हुआ है ना 10,000, लेकिन फर्स्ट ईयर में नहीं दिया हुआ था रॉयल्टी, नील था इसलिए वहाँ पर रॉयल्टी लिखे ही नहीं थे, लिखे थे क्या नहीं लिखे थे, लेकिन सेकेंड ईयर में रॉयल्टी भी दिया हुआ है 10,000, तो रॉयल्टी को भी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट, फिर लिखेंगे बाय शॉर्ट वर्किंग, ठीक है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। तो आप अमाउंट सेटअप कर लीजिए, तो रॉयल्टी कितनी है 10,000 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 10,000, ठीक है। और शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई है सेकेंड ईयर में देख लीजिए, शॉर्ट वर्किंग आपका 20,000 है, यहाँ पे लिखेंगे 20,000। अब देखिए डेबिट क्रेडिट से दोनों इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे क्या 30,000, यहाँ पे क्या 20,000 10,000, 30,000, तो देखिए दोनों इक्वल हो गया ना, तो क्या करेंगे क्लोज कर देंगे इसको, 30,000 निकाल के तो क्लोज कर देंगे, यहाँ पे 20,000 10,000 30,000 आ जाएगी, तो इसको क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट से दोनों इक्वल होना चाहिए, तो दोनों इक्वल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर तक कंप्लीट हो गया, अब देखिए थर्ड ईयर में क्या मिनिमम रेंट रॉयल्टी से अधिक है, यदि होगी तो फिर आगे फिर थर्ड ईयर का बनाएंगे, नहीं होगी तो नहीं बनाएंगे। देखिए थर्ड ईयर में कितना है रॉयल्टी 26,000, मिनिमम रेंट कितना है 26,000, देखिए दोनों इक्वल हो गया, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, इसका मतलब मिनिमम रेंट अकाउंट आपको यहाँ पर नहीं बनाना है, मिनिमम रेंट अकाउंट आपको नहीं बनाना है थर्ड ईयर का, सिर्फ सेकेंड ईयर तक बनेगा, इसका मतलब थर्ड ईयर का नहीं बनेगा, क्योंकि क्या हो गया दोनों इक्वल हो गए, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों इक्वल हो गए। फोर्थ ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना है 36,000, मिनिमम रेंट कितना है 30,000, देखिए यहाँ पे रॉयल्टी अधिक हो गई मिनिमम रेंट से, तो आपको शुरू में क्या बताए थे कि मिनिमम रेंट अधिक होना चाहिए रॉयल्टी से, मिनिमम रेंट अधिक होगा, यदि मिनिमम रेंट अधिक है तो समझिए कि उसका मिनिमम रेंट अकाउंट बनेगा उस ईयर का, यदि मिनिमम रेंट अकाउंट तब नहीं बनेगा जब आपका रॉयल्टी अधिक होगा, ठीक है। तो आपको क्या अधिक होना चाहिए था मिनिमम रेंट, यहाँ पे अधिक कौन हो गया रॉयल्टी हो गया, तो इसका मतलब मिनिमम अकाउंट जो बनाएंगे थर्ड ईयर का वो नहीं बनेगा, ठीक है, ना ही फोर्थ ईयर का, थर्ड ईयर का भी नहीं क्योंकि इक्वल था, थर्ड ईयर का भी नहीं बनेगा, फोर्थ ईयर का भी नहीं बनेगा। फिफ्थ ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना है 50,000, मिनिमम रेंट कितना है 30,000, तो फिर से अधिक कौन हो गई रॉयल्टी अधिक होगी, इसका मतलब इस फिफ्थ ईयर के लिए भी मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बनेगा,
यानी कहा जाए तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों में देख रहे हैं ना, इसका तीनों के लिए, तीनों ईयर के लिए मिनिमम रेंट अकाउंट में कोई भी जगह इसका नहीं रहेगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ईयर का होगा, क्योंकि मिनिमम रेंट अधिक था रॉयल्टी से, इसीलिए। तो आपका बस यहीं तक मिनिमम रेंट बनेगा, ठीक है, देख लीजिए एक बार, बस यहीं तक मिनिमम रेंट अकाउंट का जो लेजर होगा, पोस्टिंग जो करेंगे, बस यहीं तक बनेगा, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम रेंट अधिक वहाँ पे नहीं है, रॉयल्टी अधिक है, और किसी में तो थर्ड ईयर में तो दोनों इक्वल है, 26,000 26,000 देख सकते हैं, है ना, तो नहीं बनेगा इसमें मिनिमम रेंट अकाउंट, तो बस आपका यहीं तक रहेगा, देख लीजिए। आई होप आपको ये मिनिमम रेंट अकाउंट कैसे बनता है समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का वीडियो आपको आगे मिलते रहेगी, ठीक है, और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। तो जब हम लोग मिनिमम रेंट अकाउंट बना रहे थे तो उस समय लोग पहला एंट्री क्या पास किया था, उस समय के यही किए थे ना, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, फिर सेकंड में था रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, है ना। तो ध्यान दीजिए हम लोग को बनाना है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो ये क्या करेंगे, हम लोग यही एंट्री पास किए थे ना, हमको पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, फर्स्ट ईयर का ये ना, इसमें देखिए पहले शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कहाँ है, इसमें तो नहीं है, यहाँ पे है सेकेंड वाले में, है ना, तो कौन साइड में, डेबिट साइड में है ना, तो डेबिट साइड में है तो हम लोग आएंगे डेबिट साइड, ठीक है, लेकिन कौन सा, क्रेडिट वाला, लेकिन कौन सा, क्रेडिट वाला, चलिए तो डेबिट साइड में है या लिखिए क्रेडिट वाला है, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू मिनिमम रेंट अकाउंट है ना, तो मिनिमम रेंट अकाउंट लिखें कहाँ पे, डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो डेबिट साइड में आएंगे, लेकिन कौन सा, क्रेडिट वाला, फर्स्ट ईयर का है ना, तो आप लिखेंगे फर्स्ट ईयर और लिखेंगे क्या, टू मिनिमम रेंट, क्या लिखेंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट जाएगा किसका, शॉर्ट वर्किंग का ही, तो देखिए फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ था, 30,000, 30,000 ही शॉर्ट वर्किंग है ना फर्स्ट ईयर में, तो 30,000 यहाँ पे अमाउंट में आ जाएगी, ठीक है। और देखिए इसके बाद तो फिर यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग तो नहीं है, है ना, जब इसके बाद नहीं है तो फिर इसके बाद इंट्रेस्ट क्या करते हैं, ध्यान दीजिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आता है कहाँ, आपको जनरल इंट्रेस्ट बहुत जरूरी होना चाहिए टर्न, ठीक है, जनरल इंट्रेस्ट आपको याद नहीं रहेगा तो आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि मालूम ही नहीं रहेगा कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आता कहाँ कहाँ पर है, जब मालूम ही नहीं रहेगा तो आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा ही नहीं, बहुत गलती बनेगा, उसे बन नहीं पाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए जनरल इंट्रेस्ट बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो हम लोग यही इंट्रेस्ट पास करते हैं नॉर्मली, है ना, इसके बदले हम लोग तो ये इंटरेस्ट पास करेंगे, जो हम लोग पास किया अभी वो तो कर ही लिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड को पे करते हैं ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश बैक अकाउंट लिखते हैं, लैंडलॉर्ड को क्या करते हैं, पे करते हैं, फिर क्या लिखते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, यानी कि रॉयल्टी को क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो फिर शॉर्ट वर्किंग तो आई नहीं, है ना, फिर शॉर्ट वर्किंग आती है क्या, नहीं आती है, इसका मतलब बस एक ही जगह आई शॉर्ट वर्किंग, कहाँ पे, इसी जगह पे आपको शॉर्ट वर्किंग मिला एक बार, ठीक है। तो चलिए अब तो मिल ही नहीं रहा है फर्स्ट ईयर में, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो हम लोग को तो डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल करना है ना, तो यहाँ पे 30,000 यहाँ पे कुछ है नहीं, तो क्या करना होगा, हमको इक्वल करना होगा, तो क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी करेंगे, क्या करेंगे, सीडी हम कैरी डाउन करेंगे ना, तो कितना लिखेंगे, 30,000, क्या लिखेंगे, 30,000, तो दोनों इक्वल हो गए ना, अब तो क्या करेंगे, आप क्लोज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, क्लोज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस लस से क्यों किए, बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि हमको इक्वल करना होता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड तो 30,000 है लेकिन क्रेडिट साइड में नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपको कहीं मिल ही नहीं रहा है, मिल रहा है क्या, फिर बस वही समय फर्स्ट ईयर में बस वही एक ही जगह मिला हमको, तो हम लोग को फिर यहाँ पे लाना पड़ेगा बाय बैलेंस सीडी करके 30,000, क्योंकि इक्वल करना तो इक्वल कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट ईयर में आएंगे सेकेंड ईयर पर, है ना, जैसे हम लोग सेकेंड ईयर पर आएंगे तो ध्यान दीजिए जो बाय बैलेंस सीडी की है उसको बाय बैलेंस जो सीडी लिखा हुआ है उसको टू बैलेंस बीडी करना है, क्या करना है, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि कैरी डाउन की है तो प्राउड डाउन तो करना ही पड़ेगा, लाना होगा नीचे, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अब कितना आएगी, ये 30,000 है तो 30,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से कि फिर से सेकेंड ईयर में देखिए जब लोग बनाएंगे तो फिर से यही हुआ था ना, मिनिमम रेंट अधिक थी रॉयल्टी से, तो यानी कि फिर से जब हम इंटरेस्ट पास करेंगे जनरल एंट्रीज तो आपको फिर से ऐसे ही बनेगा, है ना, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो फिर देखिए वही बात होगी, फिर से वर्किंग अकाउंट कहाँ आएगी, यहीं पे ना, फर्स्ट सेकंड ईयर का बात कर रहे हैं अभी, तो फर्स्ट ईयर का था, अब सेकंड ईयर का बात कर रहे हैं, तो इंट्रेस्ट तो सेम ही होगा क्योंकि मिनिमम रेंट अधिक है रॉयल्टी से, तो यही इंट्रेस्ट बनेगा दोनों में ना। तो देखिए वर्किंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड में, तो फिर कहाँ आएंगे, डेबिट साइड आएंगे, लेकिन कौन सा, क्रेडिट वाला, तो क्या लिखेंगे, टू मिनिमम रेंट लिखेंगे, है ना। आइए फिर से वही एंट्री,
यहाँ पे लिखेंगे टू मिनिमम रेंट अकाउंट, ठीक। तो लिखेंगे सेट वर्किंग कितना हुई है, देखिए लिखेंगे कौन सा अमाउंट, अमाउंट लिखेंगे सेट वर्किंग का ही ना, अमाउंट तो लिखेंगे सेट वर्किंग का ही, लिखेंगे सेट वर्किंग अकाउंट बना रहे थे हर जगह, अमाउंट सेट वर्किंग का ही लिखेंगे ना। तो देखिए सेट वर्किंग कितना हुई सेकेंड ईयर में, 20,000, कितना 20,000, यानी क्या लिखेंगे 20,000, ठीक है। आपको और कहीं मिलेगा क्या सेट वर्किंग अकाउंट, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सेकेंड ईयर में जैसे फर्स्ट ईयर में कहीं नहीं मिला, एक ही जगह मिला, उसे सेट वर्किंग अकाउंट फिर कहीं मिलता है, नहीं मिलता। हम लोग फिर क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड को पे करते हैं, उसके बाद फिर रॉयल्टी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बस हो गया इंटरेस्ट, यही तो होता है। फिर हम लोग को सेट वर्किंग अकाउंट देखने को नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, छोड़ देंगे वैसे ही। तो एंड तो करना है, इसको क्लोज तो करना होगा न्यू ईयर को, तो देखिए कैसे क्लोज करते हैं। तो इसको जोड़ लीजिए पहले कितना, 30,000 + 20,000, यानी क्या आ गई 50,000 आ गई, ठीक है। अभी 50,000 डेबिट साइड है, हमको क्रेडिट साइड भी तो लाना है, तो क्या करेंगे सेकेंड ईयर के लिए, क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी, फिर करेंगे ना कैरी डाउन, क्योंकि फिर हमको लाना हो, कितना लाना है 50,000 ना, ये 50,000 यहाँ पे लिखेंगे। अभी क्या करेंगे, इसको ये तो क्लोज करेंगे, तो फिर यहाँ पे 50,000 लिख करके क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 50,000 घट रहे थे ना इधर, तो 50,000 लाए बाय बैलेंस सीडी करके, ठीक है। तो फिर हमको क्या करना होगा, कैरी डाउन किए हैं तो ब्राउट डाउन तो करना ही पड़ेगा, है ना, तो ब्राउट डाउन तो कीजिए। चलिए थर्ड ईयर में आते हैं, है ना। तो थर्ड ईयर में क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी, है ना। तो कितना 50,000 है, तो 50,000 यहाँ पे ले आइए, ठीक है। अब थर्ड ईयर में चेक कीजिए, देखिए थर्ड ईयर में देख रहे हैं सेट वर्किंग नहीं हुई है ना। अच्छा ये ध्यान रखिए, जब सेट वर्किंग अकाउंट बनाते हैं ना, तो आपको ध्यान देना तीन कॉलम में, जिस ईयर का आप बनाएंगे उस ईयर के आपको तीन कॉलम में ध्यान देना। एक होता है सेट वर्किंग के कॉलम में, ठीक है, दूसरा होता है आपको सेट वर्किंग जो रिक्विप्ड कॉलम है ना उसमें, और थर्ड में होता है अनरिक्विप्ड सेट वर्किंग टू पीएल अकाउंट में, ठीक है। आपको क्यों ऐसा बोल रहे हैं थोड़ा समझिए, यहाँ पे जैसे कि आप सिर्फ सेट वर्किंग देखें यहाँ पे, तो थर्ड ईयर में नहीं है सेट वर्किंग, तो आप सोचिएगा अच्छा थर्ड ईयर में सेट वर्किंग तो है ही नहीं, तो नहीं है तो सेट वर्किंग अकाउंट यानी थर्ड ईयर का नहीं बनेगा, आप ये सोच लेंगे डायरेक्ट। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है उसका कुछ सरप्लस में रिक्वायरमेंट क्यों होंगे उस ईयर में, तो उसका मेंशन कर देंगे, क्या उसमें भी तो रिक्वायरमेंट हुआ होगा, तो सेट वर्किंग का तो नाम आएगा ना, और नहीं तो फिर डायरेक्ट हम लोग जब अनरिक्विप्ड सेट वर्किंग टू पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किएंगे उसका में भी आएगा, क्या सेट वर्किंग का नाम तो वहाँ भी आ रहा है, तो वो भी होगा, ठीक है। तो जब आप सेट वर्किंग अकाउंट बनाते हैं तो जिस ईयर का बनाएंगे तो उसमें आपको तीन कॉलम में ध्यान देना है, एक कॉलम में नहीं तीन कॉलम में एक साथ होगी। तो एक तो हो गया सेट वर्किंग कॉलम में, ठीक है, सेकेंड कॉलम कौन सा सेट वर्किंग रिक्रूटमेंट के कॉलम में, और थर्ड कॉलम कौन सा अनरिक्रूट सेट वर्किंग टू पीएल अकाउंट में, ठीक है। आपको ये तीन कॉलम में एक साथ ध्यान देना है, जिस ईयर का बनाएंगे उसमें इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, इसमें तीनों में ध्यान देंगे, ठीक है। नहीं ध्यान देंगे तो आपका फिर गलत बन जाएगा, आप सिर्फ सोचिएगा कि सेट वर्किंग अकाउंट में देखिएगा, देखिएगा थर्ड ईयर में सेट वर्किंग अकाउंट तो है, सेट वर्किंग तो है ही नहीं, तो छोड़ो सेट वर्किंग अकाउंट में थर्ड ईयर का नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। आप आगे देख लीजिए सेट वर्किंग इक्विपमेंट कोई अमाउंट तो नहीं है, यदि नहीं है तो फिर आगे देख लीजिए अनरिक्रूट सेट वर्किंग टू पीएल अकाउंट में नहीं है, यदि रहेगा तो फिर होगा। जैसे कि आपको थर्ड ईयर में देख सकते हैं, यहाँ पे सेट वर्किंग देख रहे हैं थर्ड ईयर में है ही नहीं, तो क्या करेंगे तुरंत छोड़ देंगे, तुरंत फोर्थ ईयर में आ जाएंगे, नहीं ध्यान दीजिए वहाँ पे, ठीक है सेट वर्किंग नहीं है। आगे देखिए सेट वर्किंग रिक्रूटमेंट कुछ किए थे क्या, नहीं इसमें भी नहीं है। तो आगे देखिए अनरिक्रूट सेट वर्किंग टू पीएल अकाउंट में कुछ किए हैं क्या, यस 30,000 एनालिटिकल टेबल जब बना रहे थे तो ये 30,000 यहाँ पे आ जाता है ना। तो यहाँ ध्यान इसका एंट्रेस करेंगे हम लोग कैसे, देखिए ये क्या किए हैं 30,000 भेजे, क्या भेजे, ये अनरिक्रूट सेट वर्किंग है, यानी जिसका रिक्रूटमेंट नहीं कर पाते उसको क्या बोलते हैं अनरिक्रूट सेट वर्किंग, और उसको क्या करते हैं पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका इंटरेस्ट क्या है पहले वो देख लीजिए। खैर मैंने बहुत बार इंटरेस्ट इस तक बता दिया, क्योंकि मैं पहली बार तो नहीं बता रहा हूँ सेट वर्किंग अकाउंट, मैं और भी वीडियोज़ में जब एनालिटिकल टेबल बताए हैं तो सेट वर्किंग अकाउंट भी बनाना सिखाए हैं, ठीक है, तो बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएगी आपको। तो मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता देता हूँ क्या करेंगे अनरिक्रूट सेट वर्किंग को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो कैसे करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू सेट वर्किंग अकाउंट, ठीक है, ये एंट्रीज होता है जब हम लोग अनरिक्रूट, देखिए यहाँ पे अनरिक्रूट लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, ये सेट वर्किंग है ना अंडरस्टूड हो जाती है, समझ जाते हैं कि ये क्या होगी अनरिक्रूट सेट वर्किंग होगी, उसी को तभी हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे में इसलिए यहाँ पे अनरिक्रूट लिखने का जरूरत नहीं है, बस समझिएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू सेट वर्किंग अकाउंट, यानी कि ये वैसा सेट वर्किंग जो कि रिक्रूट नहीं कर पाए अनरिक्रूट सेट वर्किंग, उसको क्या करेंगे पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए सेट वर्किंग अकाउंट बना रहे हैं तो कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आएंगे, लेकिन कौन सा डेबिट वाला, लेकिन कौन सा डेबिट वाला। तो आइए
क्रेडिट साइड में इधर थर्ड ईयर का बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा डेबिट वाला है ना, तो डेबिट में क्या था, पीएल अकाउंट डेबिट, यहाँ देख सकते हैं है ना, पीएल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट है ना, बाय पीएल अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट जाएगी स्टॉकिंग का जो रिकमेंड नहीं कर पाया, जो अनरिकुप्ड है वो अमाउंट जाएगी। देखिए अनरिकुप्ड कितना है, थर्ड ईयर में 30,000 क्या हुआ था, अनरिकुप्ड हुई थी, तो 30,000 यहाँ पे आएगी, ठीक है। चलिए आ गई, अब देखिए अब तो स्टॉकिंग अकाउंट कहाँ आएगी, अब कहीं आएगी, थर्ड ईयर का ही बात कर रहे हैं, थर्ड ईयर में तो कहीं स्टॉकिंग नहीं आएगी है ना, कि हुआ ही नहीं था, हुआ ही नहीं था, बस यहाँ पे अनरिकुप्ड हुए थे उसका काम किए है ना, अनरिकुप्ड का वाला काम किए सिर्फ, अब तो कहीं नहीं मिलेगा देखने को, तो नहीं मिलेगा तो हम लोगों को इक्वल करना है ना डेबिट क्रेडिट साइड। देखिए इक्वल है क्या, यहाँ 50,000 यहाँ पे 30,000, इक्वल तो है नहीं, कितना घट रहा है 20,000, कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, तो हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो फिर से इक्वल कैसे करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं बाय बैलेंस, क्या करना होगा, सी डी करना होगा है ना, कितना घट रहा है, यहाँ 50,000 है ना, तो 50,000 तो लिखेंगे, ठीक है ना, 50,000, और यहाँ पर कितना घट रहा है, हमको दोनों इक्वल करना है, यहाँ 50,000 यहाँ पे 30,000 है, कितना है 20,000 घट रहा है, तो बाय बैलेंस शीट में कितना अमाउंट डाल देंगे 20,000, और दोनों को फिर जोड़ लेंगे और यहाँ पे निकाल लेंगे, क्लोज कर देंगे, 50,000 इधर भी आ गई, 50,000 इधर भी आ गई, दोनों दोनों साइड इक्वल हो गए, हो गया आपका काम, ठीक है। थर्ड ईयर का काम हो गया, आप देखिए फोर्थ ईयर में, यहाँ चेक कीजिए फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में देखिए शॉर्ट वर्किंग हुई है क्या, नो, ठीक है, तो हम फिर भी आपको ध्यान से बोले शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो आपको तीन कॉलम चेक करना ध्यान से लगातार, शॉर्ट वर्किंग कॉलम में, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट कॉलम में, और अनरिकुप्ड शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट के कॉलम में है ना, तो तीनों कॉलम को एक साथ चेक कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा तो फिर गड़बड़ बनेगा है ना। ठीक है फोर्थ ईयर हम देख रहे हैं शॉर्ट वर्किंग नहीं है, चलिए यहाँ नहीं है, आगे देखते हैं, शॉर्ट वर्किंग के रिक्रूटमेंट में है, यस 6,000 है, अनरिकुप्ड शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट इसमें 14, यानी दोनों जगह है ना, तो दोनों उसका हम लोग इंटरेस्ट पास करेंगे, उसके फिर हम लोग जनरेटिव पास करने के बाद हम क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, फिर समझ लेते कैसे इंटरेस्ट पास करेंगे। यहाँ पे क्या शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट का है, तो शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट किया गया था कितना 6,000, तो कैसे इंटरेस्ट पास करते हैं, यदि हम लोग शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट कैसे पास करते हैं वो समझिए, जब हम लोग शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट करते हैं तो कैसे पास करते हैं जनरेटिव, समझिए ध्यान से, तो क्या लिखते हैं, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू कैशिया बैंक अकाउंट। यहाँ पे देखिए दोनों एंट्रीज हम मर्ज कर दिए हैं, यानी कि हम शॉर्ट वर्किंग को रिक्रूटमेंट भी कर लिए हैं और लैंड को पेमेंट भी कर दी, इसलिए हम यहाँ पे दोनों इंट्रीज को मर्ज करके लिखे हैं, नहीं तो आपको अलग अलग करके लिख सकते थे, लिखते आप क्या, लैंड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, एक एंट्रीज बनता, फिर दूसरा क्या बनता, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो क्या कि दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दिए, यानी कि हम क्या क्या शॉर्ट वर्किंग जो है उसको रिक्रूटमेंट भी किए हैं और प्लस हम लैंड को पेमेंट भी कर दिए, आपका ये एंट्रीज बनेगा, जब आपका शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट कीजिएगा ना तो आपका जनरेटिव ये बनता है, ठीक है, एक साथ लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट बनेगा। आप इसके बेसिस पे क्या करेंगे, लेजर पे पोस्टिंग करेंगे, देखिए आपको बनाना क्या रहता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कहाँ है, शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे है ना, तो कौन साइड में, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कौन सा, डेबिट वाला, लिखेंगे कौन सा, डेबिट वाला। तो आइए आप फोर्थ ईयर का बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर फोर्थ ईयर का करेंगे, चलिए यहाँ लिखते हैं फोर्थ ईयर है ना, और लिखेंगे कौन सा, देखिए ध्यान से, क्रेडिट साइड में है ना, तो क्रेडिट साइड में आएंगे, इधर आएंगे और लिखेंगे कौन सा, डेबिट वाला, तो क्या लिखेंगे, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट है ना, फोर्थ ईयर का यहाँ लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट है ना, अमाउंट कौन जाएगा, शॉर्ट वर्किंग का ही, जो आई कौन सा बना है, जो अनरिकुप्ड है ना या रिकुप्ड है, बताइए थोड़ा सा, ये रिकुप्ड शॉर्ट वर्किंग है, यहाँ भी लिखेंगे नहीं, यहाँ भी नहीं लिखेंगे कि रिकुप्ड शॉर्ट वर्किंग, ऐसा कुछ नहीं, बस शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा है ना, तो यहाँ क्या आइए, रिकुप्ड शॉर्ट वर्किंग है, तो देखिए फोर्थ ईयर में जो रिकुप्ड किए हैं वो अमाउंट आएगी, तो फोर्थ ईयर में देखिए रिकुप्ड कहाँ कितना किए हैं, फोर्थ ईयर में देखिए रिकुप्ड 6,000 किए, तो यानी 6,000 अमाउंट यहाँ पे आएगी, 6,000, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट तो है नहीं, अब खत्म हो गया यहाँ पे, अब आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कहाँ मिलेगा देखने को, यदि उस ईयर में जिस ईयर का बना रहे उस ईयर में यदि आपका अनरिकुप्ड शॉर्ट वर्किंग भी होगा तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना, जिस तरह से अभी हम लोग थर्ड ईयर, जिस तरह से हम लोग अभी थर्ड ईयर का किए थे, जो अनरिकुप्ड शॉर्ट वर्किंग था उसको हम लोग क्या किए थे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, तो देखिए फोर्थ ईयर में भी क्या है,
फोर्थ ईयर में भी पूछा है क्या जो अनरिकूप्ड स्टॉकिंग हो, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं एनालिटिकल टेबल। फोर्थ ईयर में चेक करें तो कितना अनरिकूप्ड स्टॉकिंग कितना 14,000, रिकूप्ड में क्या था 6,000 था, जो अभी काम कर लिए 6,000 का। अब क्या है अनरिकूप्ड स्टॉकिंग टू पीएल अकाउंट्स में देख रहे हैं 14,000 है, तो इसका अभी क्या करेंगे पीएम ट्रांसफर करेंगे ना, तो क्या इंटरेस्ट पड़ेगी। अभी जस्ट हम लोग बनाए क्या बनाए थे यहाँ देख सकते हैं, यही इंटरेस्ट बनाया था अभी थोड़ा देर पहले जो थर्ड ईयर का बना रहे थे, पीएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉकिंग अकाउंट। तो कौन सा साइड में देखिए स्टॉकिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिखें कौन सा डेबिट वाला, तो क्रेडिट साइड में आइए, क्रेडिट साइड में है ना ये, तो क्रेडिट साइड में आएंगे लिखेंगे कौन सा डेबिट वाला, तो लिखेंगे आप क्या डेबिट बाय पीएल अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, तो कितना का होगा अमाउंट 14,000। ये अमाउंट क्या कि अनरिकूप्ड स्टॉकिंग है ना, तो ये लिखेंगे 14,000, ठीक है 14,000, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, हम लोग इधर किए थे। अब तो ध्यान दीजिए, हम लोग थर्ड ईयर में बाय बैलेंस सीडी निकाले थे ना, जब लोग सीडी निकाले तो बी डी भी तो लिखना होगा, जब कैरी डाउन किए तो ब्राउ डाउन तो करना ही पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे नहीं किए, ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस जो सीडी किए थे, आप यहाँ पे बीडी करना होगा जिस तरह से पहले से करते आ रहे, जहाँ जहाँ सीडी किए वहाँ बीडी किए, जैसे यहाँ फर्स्ट में सीडी किए थे बाय बैलेंस सीडी, तो यहाँ लिखे टू बैलेंस बीडी, फिर यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी किए हैं तो फिर यहाँ पे किए थे टू बैलेंस बीडी, अब फिर यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी किए तो यहाँ पे फिर से टू बैलेंस बीडी करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं आपको मालूम है, अमाउंट क्या हो रहा है शॉर्टेज हो रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए बाय बैलेंस सीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी फुलफिलमेंट दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों को इक्वल किया जा सके, है ना। तो यहाँ पे भी किए थे बाय बैलेंस सीडी करके, तो यहाँ पे निकालेंगे टू बैलेंस बीडी, है ना। चलिए तो कितना यहाँ पे 20,000 थी ना, कितना निकाले थे सीडी में 20,000, क्या लिखेंगे बीडी में क्या 20,000। चलिए ये दोनों काम खत्म हो गया, आपको क्या मिलेगा स्टॉकिंग अकाउंट मिलेगा फोर्थ ईयर में कहीं पे, अब नहीं आपको कहाँ मिलता है स्टॉकिंग अकाउंट, तीन जगह ही मिलता है, एक जब हम लोग स्टॉकिंग होगा तब, और दूसरा जब आपको रिक्रूटमेंट किए होंगे तब, थर्ड में जब आपको अनरिक्रूप्ड स्टॉकिंग होगा तब। आप क्या करेंगे क्लोज कर देंगे डेबिट क्रेडिट साइड दोनों को, क्या करें इक्वल है तो क्लोज कर देंगे, नहीं होगा तो फिर हम क्या करें बाय बैलेंस सीडी करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ 20,000 है, यहाँ पे क्या 14,000 प्लस 6,000 यहाँ 20,000, यानी दोनों साइड क्या हो गया इक्वल हो गया, डेबिट क्रेडिट साइड क्या हो गया इक्वल हो गया, क्लोज कर दीजिए 20,000 क्लोज कर देंगे, यहाँ पे 14,000 6,000 20,000 क्लोज कर दिए, बस खत्म। आप देखिए फिफ्थ ईयर का बात करते हैं, फोर्थ ईयर तो कम्प्लीट हो गया, फिफ्थ ईयर में देखिए फिफ्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुआ है नो, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग तीन कॉलम में ध्यान देंगे, बोले थे ना तीन कॉलम में ध्यान देना हम लोग को, चलिए शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ ठीक है, आगे देखते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूप में कोई कुछ है अमाउंट नहीं है, यहाँ भी ध्यान दीजिए नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं, तीन कॉलम चेक करना है ना हम लोग को, अनरिकूप्ड स्टॉकिंग टू पीएल अकाउंट में है कोई नहीं है, देखिए तीनों जगह आपका अमाउंट खाली है, फिफ्थ ईयर का बात कर रहे हैं, तो फिफ्थ ईयर का जब तीनों अमाउंट तीनों जगह खाली, इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट फिफ्थ ईयर के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों जगह अमाउंट नहीं है, तीनों में से एक जगह भी होता तो हम लोग वहाँ पे फिफ्थ ईयर का जो होता है लेजर पोस्टिंग वो कुछ करते हैं, लेकिन तीनों जगह खाली है, तीनों जगह क्या है खाली है। तो जब याद रखिए जब भी आप बनाइएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट तो तीनों कॉलम को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है, ठीक है। तो बस आपका फोर्थ ईयर तक ही बनेगा, ठीक है, आपका जो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा बस फोर्थ ईयर तक ही बनेगा, आप देख सकते हैं किस तरह से बना है ना। चलिए आई होप आपको ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना समझ में आया होगा, है ना। गाइस हम लोग इस वीडियो में क्या किए, बस दो चीज़ कवर किए, एक तो मिनिमम रेंट, दूसरा है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, है ना। हम लोग दो चीज़ छोड़ दिए, रॉयल्टी और लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्यों छोड़ा है क्योंकि ये बहुत इजी है, आपको मिनिमम रेंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ही बनाना बताएं इस वीडियो में, क्योंकि यही दोनों था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला था। आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट और रॉयल्टी अकाउंट उतना कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, आप पिछले वीडियो में भी देखेंगे ना बहुत सारा बनाया है तो इसमें देख लीजिएगा, तो बहुत ईजी है रॉयल्टी अकाउंट, तो बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं होता ज़्यादा, रिपीटेशन यानी कि एक ही इंटरेस्ट बार बार समय हो जाता है पोस्टिंग, ठीक है। तो इसलिए मैंने रॉयल्टी अकाउंट इस वीडियो में नहीं बताया हूँ, तो मिनिमम रेंट था थोड़ा सा बताना था वो आपको बता दिए इस वीडियो में, शॉर्ट वर्किंग के बारे में बताना था थोड़ा सा, ये किस तरह से करेंगे ये बताना था ये बता दिए, कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से भी देख लीजिएगा, उसमें भी मैं रॉयल्टी अकाउंट बताया हूँ और लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बताया हूँ, तो देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे बहुत ईजी है तुरंत देखिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, आपको ये पूरा आप चीज़ जो जो हम लोग कवर किए हैं आपको समझ में जरूर आया होगा, है ना। यदि समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग चैप्टर जो पर रॉयल्टी अकाउंट इसका हम लोग टॉपिक जो कवर किए थे स्ट्राइक वाला क्वेश्चन पे, स्ट्राइक और लॉकआउट ईयर पर इसका हम लोग तीन केस पढ़े थे, है ना।
और यदि वो वीडियो आप नहीं देखे तो वो वीडियो में भी दे दूंगा, यानी कि उस वीडियो का लिंक जो उसमें हम लोग डिस्कस क्या किए हैं, थ्योरी डिस्कस किए हैं इसी टॉपिक का, स्ट्राइक और लॉकआउट ईयर का हम लोग क्या किए, थ्योरी डिस्कस किए, जिसमें लोग समझे कि स्ट्राइक होता क्या है और उसके कितने केस मिलते हैं, तीन केस मिलते हैं, तो तीनों केस का हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि इसमें तो सिर्फ फर्स्ट केस था ना, एक्चुअल रॉयल्टी टू बी ट्रीटेड एज मिनिमम रेंट, ये था फर्स्ट केस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, सेकेंड केस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यदि आप वीडियो नहीं देखें थ्योरी वाला, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी ये टॉपिक जो स्ट्राइक वाला है ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।